नवरात्रि के 9 दिनों में तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को शक्ति तथा ओज की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी का अवतार मुख्य रूप से दानवों तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए हुआ था। माता चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु नवरात्रि की 9 देवियों के रूप में अवतरित हुई थी। भयंकर दानवों को मारने वाली यह देवी है। असुरों की शक्ति को छिन्न करके देवताओं का हक दिलाने वाली देवी चंद्रघंटा शक्ति का रूप है। शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण मेघा शक्ति धारण करने वाली देवी चंद्रघंटा संपूर्ण जगत की पीड़ा को मिटाने वाली है। उनका मुख मंद मुस्कान से कांतिवान, निर्मल, अलौकिक तथा चंद्रमा के बिंब प्रतीत सा उज्जवल है। ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर भी महिषासुर ने देवी के अलौकिक स्वरूप पर प्रहार किया। उनके प्रेम स्नेह का रूप तब भयंकर ज्वालामुखी की भांति लाल होने लगा। यह क्षण आश्चर्य से भरा हुआ था। उनके इस रूप का दर्शन करते ही महिषासुर भय से कांप उठा। उन्हें देखते ही दानव महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। आखिर यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी चंद्रघंटा एक अद्भुत शक्ति का रूप है। परमात्मा स्वरूपा देवी चंद्रघंटा के प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है। जगत का समस्त क्षेत्र हरा भरा पावन हो जाता है, परंतु देवी चंद्रघंटा के क्रोध में आ जाने पर तत्काल ही असंख्य कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिषासुर के राक्षस कुल का अंत देवी चंद्रघंटा ने क्षण भर में कर डाला, इस बात का अनुभव मात्र ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। तेज तथा शक्ति स्वरूपा देवी चंद्रघंटा ने जैसे ही राक्षस समूहों का संहार करने के लिए धनुष को आकाश की ओर किया, वैसे ही देवी के वाहन सिंह ने धारणा शुरू कर दिया और माता पुनः घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। इस धनुष की डंकार, सिंह की धार तथा देवी चंद्रघंटा का असुरों को नष्ट करने का साहस बढ़ता गया तथा महिषासुर का समस्त दानव कुल छिन्न भिन्न होकर मरता रहा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। माँ दुर्गा का यह लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है। माँ के इस रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। ये दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में शस्त्र अस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों कर दिया गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई।